भाई हरियाणा बोर्ड ने 12th वाले बच्चों का रिजल्ट जब से अनाउंस किया ना, उसके बाद से ही 10वें वाले बच्चों की धड़कनें तेज हो गई है। 3 लाख से ज्यादा बच्चे थे इस बार 10वीं के एग्जाम में और उन सभी को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट भी देखिए आने ही वाला है क्योंकि एग्जाम खत्म हुए बहुत दिन हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब तो रिजल्ट आ ही सकता है। लेकिन रिजल्ट आ कब सकता है, इस पर क्या अपडेट है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। आपने हमारे पुराने वीडियोस के जरिए ये तो जान लिया कि कहां कहां पर चेक करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स है और कैसे चेक करना है, लेकिन रिजल्ट की तारीख के बारे में ना हम आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं, यानी कि कब रिजल्ट आ सकता है हरियाणा बोर्ड के 10वीं का, कब 3 लाख से ज्यादा बच्चों के किस्मत का फैसला होगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टिकट पर। हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं खास तौर पर लेकर आई हूं और स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए। देखिए 12वीं का रिजल्ट तो आ गया, खत्म हो गई वो सारी चीजें, अब फाइनली जो 10वीं के बच्चे हैं ना उनका रिजल्ट आना बाकी है। देखिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन सूत्र जो कहते हैं ना वो ये कहते हैं कि 2nd week of May तक 10वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि पिछला ट्रेंड भी ऐसा ही है, ज्यादा दिन का गैप नहीं रहता 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में। 12वीं का आ गया है, अब 10वीं का भी आ ही जाएगा 2nd week of May तक। इस बार 3 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में शामिल थे और जो भी बच्चे एग्जाम में शामिल थे ना उनको हम यही सलाह देंगे कि अपने एडमिट कार्ड के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि BSEH.org.in यहाँ पर आपका रिजल्ट लाइव हो जाएगा और आप अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से उसे एक्सेस भी कर पाएंगे और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आप वेबसाइट के अलावा ऑफलाइन भी SMS के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन तरीका है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट काम नहीं करती है, क्रैश हो जाती है या फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते, इस केस में भी आप ऑफलाइन तरीके से जो SMS है उसकी मदद से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। बस आपको एक छोटा सा टेक्स्ट भेजना होगा और टेक्स्ट भेजना होगा एक नंबर पर। सो कौन सा टेक्स्ट है और क्या नंबर है, चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फोन लेने के बाद ना SMS बॉक्स खोलना है और सबसे पहले लिखना है रिजल्ट HB10, फिर देना है स्पेस, फिर लिखना है रोल नंबर और उसे भेज देना है 56263 पर। रिजल्ट HB10 स्पेस रोल नंबर और 56263 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नोट डाउन करके रख लीजिए और सेव करके रख लीजिए। अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुलती है, नहीं चलती है, तो आप SMS के जरिए अपना जो स्कोर कार्ड है ना वो मंगवा सकते हैं। अगर इस बार के एग्जाम की मैं बात करूं तो 27 फरवरी से 26 मार्च तक 10th के बोर्ड एग्जाम कराए गए थे और उसके बाद से ही स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतजार था। सो जल्द ही रिजल्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा और जो अपडेट होंगे हम तो आपको अपनी वीडियोस के जरिए देते ही रहेंगे और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी आ जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नया अपडेट, नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टिकट।